हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग? आई होप सब लोग सही हो गए और मजे में हो गए। तो भाई ये हमारी हैं बेबी जी, जैसे कि आपको पता ही होगा मेरे पे पिटबुल है। पिटबुल का पपी लेके आ रखा है, इनका नाम हमने बेबी रखा है, फीमेल है ये मेरी। इनका हुआ है कल एक्सीडेंट, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ठीक है, कल एक्सीडेंट हो गया था और हुआ भी यहीं पर था, जैसे यहाँ पर। अब ये क्या, हम जैसे यहाँ रखते हैं तो इधर वॉशरूम वगैरह करने, बाथरूम इधर को चले आती है। अगर इसको बाथरूम वगैरह करनी है, पॉटी करनी है, तो इधर के एरियों में और इधर के एरियों में चले आती है। तो ये होगी उधर। तो कल एक बाइक वाला आया और वो ठोक के चले गया, और वो हम ऐसे पापा बाहर से बैठे थे, मैं अंदर फ़ोन पर लगा हुआ था। उस टाइम पर मैं वीडियो ही अपलोड करने वाला था, इसकी जो वैक्सीनेशन करवा रखा है वाली वीडियो एडिट वगैरह कर रहे थे, और वो अपलोडिंग के लिए लगा के मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था अपना। तो फिर भाई फिर एक्सीडेंट हो गया, तो फिर इसको उठा के ले गया। तो उस टाइम तो काफ़ी बुरी कंडीशन थी इसकी, बिल्कुल चिल्ला विल्ला रहा था, ये चिल्ला रही थी बहुत ज़्यादा। और फिर हम इसको लेके आए, फिर पापा गए हमारे हल्दू चौड़ा, इसके लिए विटाडिन वगैरह लेके आए। गोली हमने इसको प्रेफर नहीं कराया खिलाना, क्योंकि हमारे पुराने रिकॉर्ड ऐसी बहुत ज़्यादा ख़राब है कुत्तों के साथ। भाई हमारा एक कुत्ते की डेथ हो गई थी गोली खिलाने की वजह से, दूसरा भी फिर, और शायद मैंने एक चीज़ नहीं बताई होगी भूरी के बारे में कि उसकी भी डेथ हो गई है। क्लास ये बची है, इसका भी एक्सीडेंट हुआ था भाई। हमारी तो सांसें बिल्कुल, तीनों की सांसें अटक गई थी भाई, मस्त करते ही हालत ख़राब। उसके बाद फिर कल से हमने रात भर इसका ट्रीटमेंट किया है और दवाई वगैरह लगाई, दूध दूध पिलाया, हल्दी वाला अंडे अंडे का सूप बना के पानी में बिल्कुल वो पिलाया, और वही हेल्दी खाना खिला रहे हैं, इसके साथ रह रहे हैं, इसके साथ पूरा टाइम दे रहे हैं इसको। कभी पापा इसके साथ खेल रहे हैं, कभी मम्मी, कभी मैं, क्योंकि ऐसा ना कि कुत्ता थोड़ा वैसे खिला पिला के सही कर सकते, दवाइयाँ वगैरह लगा के और थोड़ा। तो फिर भाई कुछ ऐसा हुआ, और हमारी माता जी कैसा, माता जी मम्मी वो बाल दिखा अपने लंबे आगे उधर, तो बाद में देखा दिखाना। ऐसा जो लोग पूछते हैं ना मेरे से कि भाई मेरे बाल इतने अच्छे कैसे हैं, और ये क्या सब सीन्स ऑर्डर, इतने लंबे बाल और इतने घने, जैसे कि मेरी जटा देख सकते हो, उसे बाल दिया मैंने, और ये हमारे मम्मी के बाल। मम्मी यहाँ दिखाओ, देखो अरे हो गया, ऐसे दिखा दो, कोई नहीं। मम्मी क्या कि लेंथ कम नहीं दिखनी चाहिए मेरे बालों की। तो भाई ऐसे कुछ बाल है, मम्मी के इतने लंबे बाल है और इतने घने बाल है। और ये अभी अभी के टाइम में ना, अभी आपकी उम्र क्या होगी, वही 25। पापा कह रहे थे उपड़ा दे दिया, ऐसे कैसे कह सकते तुम भाई। पुराने फोटो देखना मेरी मम्मी की, हीरोइन लगती थी, हीरोइन पुरानी पिक्चरों की है, और ये भी थोड़ा हीरो लगते थे, पर अब शाहरुख खान तो नहीं लगते थे यार, राजेश खन्ना वगैरह थोड़ा बहुत कह सकते हो तुम। अब ऐसे राजेश खन्ना आ गया नहीं यार। हाँ तो देखो, मैं बात कर रहा था जेनेटिक की, तो भाई ऐसे जेनेटिकली मेरे को अपनी माता से बाल मिले हैं, क्योंकि यहाँ की फैमिली के बाल बहुत गंदे, मतलब गंदे नहीं बोल सकते, पर उतने अच्छे बाल नहीं है, मतलब जैसे पापा के बाल हैं। पापा के बाल फिर भी सही है ना, मतलब ठीक ही है इधर, मतलब उतनी बेस्ट क्वालिटी नहीं मिल पाती है, पर जो वहाँ से मम्मी से जेनेटिकली मेरे को मिले हैं तो वो बहुत तगड़े। देखो मैंने बाद है और काफ़ी तगड़ी जटा है, देखा ही है तुमने। हाँ तो ये राज है भाई, अगर तुम्हारे जेनेटिकली बाल स्ट्रांग नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते तुम, चाहे फिर कितने प्रोडक्ट यूज़ कर लो, कितना कुछ कर लो, हाँ जेनेटिकली अच्छे तो वो चीज़ कर सकते। तो हम अभी बात वो नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे अपने बेबी की। तो हमने बेबी की सेवा वेवा करी है, बेबी चल बल नहीं पा रही थी कल तो बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी होश पड़ी थी, बिल्कुल ऐसा हालत हो गई थी ना, हमसे तो देखा भी नहीं आता भाई, हमारा रोने का हाल हो गया था, बिल्कुल कंडीशन में थी नहीं है देखने देखने के। तो क्या कर सकते थे, फिर वही ध्यान दिया हमको, वही था, मैंने इसको ऐसे खड़े करके देख रहे थे कि बोन में फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है या कुछ, कि फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है या कुछ मेजर इंजरी तो नहीं है, तो वो नहीं थी। हमने बोन्स वगैरह पूरी टच करके देखी थी, सब कुछ ऐसे खड़े करके देखा था हर एक चीज़, क्योंकि मैं यार डॉक्टर पे ना ज़्यादा प्रेफर करता नहीं हूँ, डॉक्टर डॉक्टर के पास ले गया, मेरे 4 से 5 कुत्ते तो हॉस्पिटल ले जाते ही मर गए भाई। मेरा ब्लैकी मरा, और डॉबी को भी ले गए थे ना, डॉबी को भी ले गए थे, और अभी उसको भी ले गए थे शेरू को, और भूरी को नहीं ले गए थे, भूरी के लिए घर पर ट्रीटमेंट चल रहा था, पर भूरी फिर भी नहीं बच पाई। मेरे काफ़ी टाइम था काफ़ी कुत्ते मर रहे हैं, और इसके साथ भी जब बेबी का एक्सीडेंट हुआ तो भाई हमारी हालत ख़राब हो गई थी बस। और फिर जब इसको देखा हमने, दवाई वगैरह लगाया, तो उस टाइम पे बिल्कुल बहुत टाइम तक तो बेहोश पड़ी थी, कम से कम बेहोश मतलब ऐसे नहीं थी कि बिल्कुल ही बेहोश हो गई थी, मतलब ठीक थी, बट आँखें बंद करके सो जा रही थी बार बार। तो पर हमने ट्रीटमेंट किया, वैसे ठीक थी, उतना चिल्ला वगैरह नहीं थी उस टाइम, जिस टाइम पर लगी उस टाइम बहुत चिल्लाई थी। बट उसके बाद जब हम इसको लेके आए, फिर रात को 8-9 बजे के टाइम पे भाई इसको थोड़ा होश आया था, ये उठी नीचे, मतलब उठी खड़े, तो हमने इसको नीचे रखा, उसके बाद इसने बाथरूम वगैरह की,
और फिर जाके इसने अपने घाव देखे हैं, और मतलब होता है ना कि हमें भी एकदम से चोट लग जाता है, इंसान ही इतना हो जाता है, ये तो बेबी है। फिर जाके इसको दूध वूध पिया उसका, इसने खाना वाना प्रॉपर शुरू कर दिया रात से, बट अभी भी चल नहीं पा रही थी ये, सुबह तक भी दिन तक भी अच्छे से नहीं चल पाई थी, पीछे के पाँव अच्छे से लगा नहीं पाई थी, खड़ी भी हुई थी तो पीछे को, आगे को नहीं चलाया था इससे, तो पीछे को ऐसा वो हुई थी, समझ भी नहीं आता इसको मतलब क्या हो रहा है कि अब बच्चा है ना, जैसे नया नया बच्चा चलना ही आराम से बहुत धीरे धीरे करके सीखते हैं, और ये तो जैसे चलना वलना सीखी, दौड़ना कूदना सीखी तो उसका एक्सीडेंट हो गया और इसकी सब दुनिया पलट गई भाई। बच्चा है वो, नया बॉर्न बेबी है, उसको प्यार ही मिला है, तकलीफ कभी हमने दी नहीं है ना, जहाँ से ये बेबी आई है वहाँ कोई प्रॉब्लम थी, वहाँ तो और भी हमसे ज़्यादा बेटर तरीके से रखते थे, और हमारे वहाँ ये तो वहाँ के भी प्यार ही मिला है, तो इतनी एकदम से प्रॉब्लम है उसे समझ भी नहीं आया। फिर हमने कोशिश करी पूरा इसका ध्यान देने की, तो घाव वगैरह अगर मैं दिखाऊँ तो उसके इधर साइड, इसके ये देखो इधर साइड सूजन है, और ये मैंने 4 से 5 बार कल से सेक कर दिया, तो ये धीरे धीरे करके ही कम होगी। और डॉक्टर को मैंने फ़ोन कर दिया था, उनने बोला दवाई वगैरह भी मत खिलाना क्योंकि बच्ची है, और तो बच्चे में एकदम से दवाइयाँ अच्छी नहीं करती हैं। मम्मी वो इसको ऐसे पकड़ो, उठाओ हल्का सा, जैसे दवाई लगाने के लिए बैठाते हैं वैसा बैठाओ, आराम से लेके ना। बट अभी थोड़ा सुस्त ऐसी दिख रही है ना, पर वैसे थोड़ा बहुत ठीक है। पाँव करो ना, पाँव उठा के करो, वैसे आराम से आराम से आराम से आराम से। वैसे हम इसको ऐसे दवाई लगाने के लिए हम इसको ऐसे ही बैठाते हैं, क्योंकि इसका नीचे साइड पूरी चोट लग गई थी, ये देखो जो ये हिस्सा इसका ये पूरा छिल गया था, अभी घाव भर चुके हैं, उस टाइम तो बहुत गंदा दिख रहा था, देखो अभी भी घाव पूरे नहीं भरे हैं, ठीक है पूरा तरीके से यहाँ इधर साइड, ये देखो इधर साइड में और इधर पे। बेबी ए बेबी, अभी थोड़ा सुस्त दिख रही है, दिन में थोड़ी वो है तो भाई, पर से वो होता ना कि तुम अपना हंसता खेलता हुआ बच्चा फिर ऐसी हालत में देखो तो फिर और हाथ वो हो जाता, थोड़ा मूड ख़राब हो जाता, भाई हमारा तो बहुत ज़्यादा था कल। बट फिलहाल अभी कंडीशन बेटर हो रही है, और हम इसके कंडीशन के तुम्हें अपडेट देते रहेंगे। हमने कहा जब हमने बीबी की चीज़ें बताई हैं तो भाई उसके साथ कुछ ऐसा हुआ तो हमें वो भी शेयर करना चाहिए, क्या बेबी व्हाट यू थिंक बेबी? बट अभी बेबी पूरा सही है, खुश है, बेबी धीरे धीरे रिकवर करने लग गई है, आई होप कल परसों तक रिकवर कर जाए, क्योंकि हमने उसका इसकी डिवॉर्मिंग भी करानी है, उसका नया एक डोज और बची है वैक्सीनेशन की, मतलब सेकंड डोज, उसका थर्ड डोज भी देखते हैं लगाते नहीं लगाते, बट सेकंड तो लगानी ही पड़ती है, वरना फिर दोबारा से साइकिल शुरू करना पड़ता है और कुछ फ़ायदा नहीं है उसका, फिर दोबारा से हमें शुरू करना पड़ेगा, और इम्यूनिटी भी उतनी अच्छी बिल्ड हो नहीं पाती है, बीमारियों को भी पता नहीं कब आ जाए, तो ऐसा ही है। बाकी हम अपने बेबी के अपडेट्स देते रहेंगे, और बेबी को फिलहाल तो बहुत सारे केयर की और प्यार की ज़रूरत है, जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर दे पाएँ एक अच्छा माहौल और सब चीज़ें, तो बाकी का अपडेट कल देते हैं आपको कि क्या कंडीशन है बेबी की, हालत कैसी है बेबी, कैसी है क्या अभी। कल तो बिल्कुल कंडीशन नहीं थी वीडियो बनाने की, तो मैंने ना एक सिंगल क्लिप भी रिकॉर्ड नहीं करी है कि उसकी भाई गाँव कैसे हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, मैं आज ही कैमरा उठा रखा है क्योंकि कल से हम इसी के साथ हैं, मम्मी मैं पापा तीनों ही, जिस टाइम जिसको टाइम मिल रहा है वो इसके साथ रहता है, टाइम क्या मैं तो दिन भर ही घर पर रहता हूँ, तो ये है जैसे कुछ काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे सभी मतलब इसके साथ रहते हैं, तो दस सेट ठीक है, बाय बाय।